GMS World School is visioned for a world-class education. छात्रा का भविष्य मोनाड यूनिवर्सिटी ओम कॉम्युनिटी स्कूल तगासराय गेट पीर के पास हापुड़। बालिकाओं का दाखिला फ्री अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल अंबेडकर नगर नई मंडी हापुड़। बेस्ट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए आशा स्टूडियो मीनाक्षी रोड हापुड़। जय हिंद, जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं एटीसी फास्ट न्यूज। अब खबर विस्तार से। साली ने लगाए अपने मंत्री जीजा व बहन पर गंभीर आरोप और बैठी अपने मंत्री जीजा घर के सामने धरने पर। जनपद हापुड़ में बीते मंगलवार को मेरठ रोड स्थित आवास विकास कॉलोनी में रहने वाले व तगासराय में स्थित रामनिवास इंटर कॉलेज के मंत्री अनूप गर्ग व उसकी पत्नी पर लगाए ज्वेलरी का सामान व रुपए हड़पने के गंभीर आरोप और रामनिवास इंटर कॉलेज के मंत्री अनूप गर्ग पर उनकी ही साली नीटू गर्ग ने स्कूल के चुनाव में गड़बड़ी कर मंत्री पद हासिल करने का भी आरोप लगाया। यही नहीं, जब पुलिस नीटू गर्ग को समझाने आई तो नीटू गर्ग ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। सुनते हैं बुलंदशहर निवासी नीटू गर्ग को उन्होंने अपने जीजा अनूप गर्ग व अपनी बहन पर यह गंभीर आरोप क्यों लगाए। अच्छा, धरने पर जी बैठे हैं आप, किस लिए बैठे? क्योंकि मेरे मेरी बहन ने मुझसे धोखा कर दिया। पानी पी लिया। मैं नहीं पीऊंगी। अरे पानी तो पी लीजिए। मैं नहीं पीऊंगी। पानी से नाराजगी, पानी से नाराजगी, मेरी जिंदगी से नाराजगी है। जिसकी बहन ऐसी हो, मैं इसको माँ मानती थी, बड़ी बहन को सब कौन मानते हैं, माँ ही मानते हैं ना। नहीं, कब तक पानी नहीं पियेंगी आप? जो जब तक मर नहीं जाऊंगी। नहीं, मरने का क्या मतलब है इसमें? ये क्या करूं, तो सारी कमाई उसने ले ली, मैं प्राइवेट नौकरी करती हूं, कब तक करूंगी? 45 साल की मैं हो चुकी, तो उससे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी पानी नहीं पियेंगी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है ना, इसलिए तो ये लोग मेरे पे दबाव बना रहे हैं, क्योंकि मैं अकेली हूँ, ना मेरा पति है ना मेरे बच्चे हैं। मेरे माँ बाप हो रहे 70-75 साल के, उनके बस की कुछ भी नहीं है, इसलिए ये दोनों मिलके मुझे दबा रहे हैं। तो ऐसे कब तक पानी नहीं पियेंगे बताइए। चलो मैम, क्या मामला है पूरा जो आप यहाँ धरने पे बैठी हैं? ये मेरा मामला ये है, मेरी बहन को मैंने भरोसा करके मेरे पापा की ज्वेलरी और मेरी खुद की ज्वेलरी जो मुझे तलाक के बाद मिली थी, वो मैंने सब इसको रखने के लिए दी। अब जब मैंने उससे मांगी है तो कह रही है ना पापा को दूंगी और ना तुझे दूंगी, और 3.5 लाख की डिमांड और इनने मेरे रात को पापा को करी है, और मेरे पापा से ये बोला है कि तुम भी जेल जाओ, और मुझे मैसेज डाले हैं कि तेरी रंगरलियाँ ये बताऊंगा। मेरे पास मैसेज पड़ा है, मेरे जीजा ने मुझे मैसेज डाला कि तेरी रंगरलियाँ पूरी दुनिया को बताऊंगा। मैसेज में क्या लिख के भेजा है? मैंने इनको रात को ये वाला लेटर भेजा था कि या तो तुम मेरी ज्वेलरी वापस कर दो, वरना मैं मरने के लिए मजबूर हो जाऊँगी। इन्होंने पलट के मुझे ये मैसेज डाला, तेरी रंगरलियाँ दुनिया को बताऊंगा, और फिर इन्होंने मेरे पापा को फ़ोन करा कि तुम भी जेल जाओगे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, और हमें साढ़े तीन लाख रुपए चाहिए। अच्छा, किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था? विवाद किसी चीज़ को लेकर नहीं हुआ, विवाद ये है कि मैंने अब अपनी ज्वेलरी मांगी है, और दूसरा विवाद ये है इन्होंने किसी को नौकरी पर रखा जो मेरा जानकार था, जबकि मैंने उसकी नौकरी नहीं लगवाई, इन्होंने खुद बुलाया, अपने घर में घुसाया, उसे 3 महीने नौकरी करवाई, उसके बाद उसे निकाल दिया, और उस पर फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया कि 1.25 लाख रुपए लेके भागा है, जबकि उसके सबके सबके सबूत दे रहे, वो एक एक पैसा दे के गया है, और अब मुझसे कह रहे हैं वो पैसा नहीं देगा तो हम तेरी ज्वेलरी नहीं देंगे, और मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं उस इंसान के साथ लगी हुई, मेरा उससे रिलेशन है, जबकि वो शादीशुदा इंसान है, उसके 2 बच्चे हैं। किस जगह नौकरी लगवाई थी? तगासराय में, जो इनका स्कूल है। क्या नाम है उनका जिसको आरोप लगा रहे हैं उस पर? जितेंद्र कुमार, वो गाजे मुजफ्फरनगर का रहने वाला। तो ये जो हैं, जो आरोप लगा रहे हैं आपके जीजा हैं, वे स्कूल में क्या हैं? मंत्री हैं। सुनने में आया कि उन्होंने मंत्री पद भी गड़बड़ी करके हासिल किया। उन्होंने जितेंद्र की बात कर रहे हैं ना, उसी से फर्जी वोट डलवाई थी मेरे भाई की।
जितेंद्र खुद डाल के गया मेरे भाई की फर्जी को। और सुनो, इन्होंने स्कूल में उसको देते थे 5,000, इन्होंने उसकी सैलरी स्लिप पे साइन करवाते थे 15,000। बंदा निकलवा लो जाके तगासराय के स्कूल में, जाओ और देख लो इन्होंने क्या करा। मैं तो सब चीज में झूठी हूँ। नहीं, ये तो आरोप आप लगा रही हैं। वो मैं तो लगा रही हूँ, मैं तो मैं, आप निकाल लो सबूत। मेरे पास जो सबूत है मैंने दिखा दी, मेरे पास तो यही सबूत है, मेरे पास इसके अलावा कोई सबूत नहीं है। मेरे पास सिर्फ इतना सबूत है जो मैंने ज्वेलरी से दिए, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फोटो है, मेरे पास कोई सबूत नहीं कि मैंने इसको दिया। अच्छा, ये जो रजिस्टर में कॉपी है ये किस चीज़ के हैं, जो है ये हिसाब किताब है? ये हिसाब किताब उसी का जो इन्होंने फ्रॉड का लगाया है उस पर, 80,000, 60,000, कभी 1,25,000, कभी 3,50,000, ये सब उसी का हिसाब है। और ये डायरी इन्हीं के पास है, मेरे पास केवल फोटो है। तो इस पर ये साइन वाइन किसके हैं? ये साइन नहीं है, ये मैंने हिसाब बना के दिया है जो इन्होंने ये लिखा है ना इस बच्चे की, कि मई की फीस नहीं आई, ये पेज नंबर इस पे ये मैंने लिखा है कि देखो ये फीस, ये पैसे तुम्हारे तुम तक पहुंच चुके, उसके बावजूद इल्जाम लगा रहे हैं कि वो 1.5 लाख रुपये लेकर भागा। और सबसे बड़ी बात, जिससे मेरा मतलब नहीं है उसके फ्रॉड के पैसे मैं क्यों दूँ? मैंने फ्रॉड कराए क्या? मैं तो इनके स्कूल में आज तक गई तक नहीं, मेरे स्कूल से इनका कोई मतलब नहीं, मैंने इनके आज तक स्कूल की शक्ल नहीं देखी, मेरे मम्मी पापा ये वोट डालने, मेरी तो वोट भी नहीं है वहाँ। उसके बावजूद उसका उसका खामियाजा ना ये मेरे से पूरा करवाना चाह रहे हैं, मैं कहाँ से लाऊं? वो मेरा बाप लग रहा है, मेरा भैया लग रहा है, अगर फ्रॉड उसने करा मैंने थोड़ी करा है, उससे मांगो ना पैसे। तो आप जैसे अब यहाँ धूप में बैठी हैं, तो आपको तो यहाँ सरकारी अधिकारियों के पास जाना चाहिए सहायता के लिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे ना कि मैं सरकारी अधिकारी के पास जाऊं। नहीं, सरकारी अधिकारी पैसे थोड़ी लेंगे, वो क्यों नहीं लेंगे? अब देखो उन्हीं के कहने से आए हैं ना, उन्हीं की बात सुन रहे हैं, मेरी बात सुन कौन रहा है? मुझे तो कोतवाली और ले जाने की बात कर रहे हैं। चलो थाने, उन्हें लेके जाओ ना थाने और कोतवाली, मैं क्यों जाऊँ? उनसे कहो कि चलो थाने और चलो कोतवाली, मैं क्यों जाऊँ? मतलब आरोप उन पर लग रहा है, उनको तो ले नहीं जा रहे, वो मुझे लेके जा रहे क्योंकि मैं यहाँ धूम में बैठी हूँ। पीड़ित को ही लेके जा रहे हैं? हाँ, वो घर में बैठे इसलिए वो नहीं जाएंगे, मैं यहाँ धूम में बैठी हूँ इसलिए मैं जाऊँगी, जबकि मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा बैग खोल लो, कुछ नहीं है मेरे बैग। आप ये इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं पुलिस पर? मैं किसी पर आरोप नहीं लगा। आपको डर नहीं लगता पुलिस के सामने पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं? मैं क्यों डरूं जब मैंने कुछ करा ही नहीं? और क्या करेंगे, यही करेंगे ना, थाने में बंद कर दो, मैं तो अकेली हूँ, गरीब घर से हूँ ना, दबा लो जितना दबाना, वो करोड़पति लोग हैं, उनका मुकाबला तो मैं वैसे भी नहीं कर पाऊंगी। मेरे पास इतने पैसे थोड़ी है कि मैं उनसे लड़ लूंगी। 25,000 की नौकरी करने वाला कितना कर देगा, जिसमें उसे माँ बाप का भी खर्चा करना है। जब इस संबंध में मंत्री अनूप गर्ग से मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो मंत्री अनूप गर्ग ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया। आपको बता दें, नीटू गर्ग अपने मंत्री जीजा अनूप गर्ग व अपनी बहन के घर के सामने धूप में धरने पर बैठी थी, तो किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। तब पुलिस ने मौके पर पहुंची और नीटू गर्ग को पुलिस ने काफ़ी समझाया तो शुरू में नहीं मानी। पुलिस ने भी अपनी कोशिश जारी रखी, बहुत देर तक समझाने के बाद आखिरकार पुलिस नीटू गर्ग को समझाने में कामयाब हो गई और नीटू गर्ग व उसके मंत्री जीजा व उसकी बहन को हापुड़ कोतवाली ले गई, जहाँ पर नीटू गर्ग की शिकायत पर पुलिस जांच कर कार्रवाई कर रही है। कॉस्मिक न्यूज ब्यूरो। मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक देखते रहिए एटीसी फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय संविधान।
take our chances. Can't always play it safe. Sometimes there's more to lose than. Coral Mart. घर का जरूरी सामान मूल्य से भी सस्ता, फाइनेंस की सुविधा कोरल मार्ट, फ्रीगंज रोड, हापुड़।